नमस्कार, ये है हिंदी और हिंदुस्तान और आप सुन रहे हैं अक्षय। मैं अक्षय प्रताप सिंह। दोस्तों, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारे जीवन मूल्यों पर आधारित कहानी है और घटना कहानी में जो घटनाक्रम है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे देश में आज से कई साल पहले हुआ और आज भी हो रहा है। कारण वही है, जो कारण इस कहानी में है उसी कारण से हम अंग्रेजों के गुलाम भी हुए थे। कहानी सुनाता हूँ, अंत तक सुनिएगा। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि उस कसाई और उसकी पत्नी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। उत्सुकतावश देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने पिछवाड़े में जाकर कबूतर को यह बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। निराश चूहा ये बात मुर्गे को बताने गया। मुर्गे ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, जा भाई, ये मेरी समस्या नहीं है। हताश चूहे ने बाड़े में जाकर बकरे को ये बात बताई और बकरा हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज हुई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर उस कसाई की पत्नी ने उसे निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर उस व्यक्ति ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उस कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। कबूतर अब पतीले में उबल रहा था। खबर सुनकर उस कसाई के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे, जिनके भोजन प्रबंध हेतु अगले दिन उसी मुर्गे को काटा गया। कुछ दिनों बाद उस कसाई की पत्नी सही हो गई तो खुशी में उस व्यक्ति ने कुछ अपने शुभ चिंतकों के लिए एक दावत रखी तो बकरे को काटा गया। चूहा अब दूर जा चुका था, बहुत दूर। अगली बार कोई आपकी अपनी समस्या बताए और आपको लगे ये मेरी समस्या नहीं है तो रुकिए और दोबारा सोचिए। समाज का एक अंग, एक तबका, एक नागरिक खतरे में है। ध्यान रखिए कि पूरा समाज व पूरा देश खतरे में है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको जरूर रोचक लगी होगी और जीवन मूल्यों पर खरी उतरने वाली आपके लिए एक आदर्श साबित होगी। इस कहानी को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।